वेलकम टू मुंबई गणपति फेस्टिवल 2023। आज है गणपति फेस्टिवल का फर्स्ट डे और फर्स्ट डे आज हम लोग आए हैं मुंबई का फेमस लालबाग एरिया में। मुंबई में गणपति फेस्टिवल टोटल 10 दिनों के लिए होता है। आज है फर्स्ट डे। फर्स्ट डे से एकदम 10 दिन, 10 दिन में मैं मुंबई के अंदर जितना भी बड़े बड़े पूजा मंडप है ऑल पूजा मंडप आपके साथ वन बाय वन एक्सप्लोर करूंगा। लालबाग एरिया में फर्स्ट डे जितना भी गणपति होता है, 4-5 गणपति होता है, हर एक गणपति वन बाय वन आपके साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करूंगा। गणेश चतुर्थी आज फर्स्ट डे हम लोग फर्स्ट विजिट करने आए मुंबई का फेमस लालबाग एरिया में मुंबई का राजा पूजा मंडप। आप देखिए कितना खूबसूरत है मुंबई का राजा पूजा मंडप। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइड राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। अभी टाइम है मॉर्निंग 11 AM। अभी हम लोग पहुंचे लालबाग के बहुत ही फेमस फर्स्ट पूजा मंडप मुंबई का राजा पूजा मंडप में। इधर बहुत ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा आज भीड़ होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूजा मंडप का मेन जो गेट देख रहे हो ये रायगढ़ का दुर्ग, रायगढ़ फोर्ट के जैसा ये तैयार किया गया है। चलिए हम लोग दर्शन टिकट ले लिया, 20 रुपए करके है, अभी अंदर चलते हैं। और इधर नॉर्मल लाइन भी है जिधर पैसा नहीं लगेगा। मेन गेट के आगे आपको 20 रुपए का टिकट लेना है, फिर आपको मेन गेट से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में आके ये VIP लाइन है, इधर से आपको अंदर एंट्री करना है। इधर से दर्शन टोकन लेके अंदर आया, बट इधर दो लाइन है। इधर आपको अगर ऐसे VIP दर्शन टोकन है तो आपको इधर से आपको एंट्री होना है। आपको ए वाला जो बीच में जो रेड कारपेट जो लगा है इसमें से आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आपको उधर से एंट्री मिलेगा। और उसके उस साइड जो है वो है एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उधर जाके दर्शन कर सकते हो। मेन गेट से अप्रोक्स 200 मीटर आने के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही पड़ेगा मेन मंडप। छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ फोर्ट के जैसा ये पूरा पूजा मंडप को बनाया गया है। गणेश गली का ये है फेमस पूजा मंडप मुंबई का राजा। आपको एंट्री होना है इधर, फिर आपको लाइन में लग के आपको उधर दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आपका एग्जिट रहेगा वो साइड से, वो साइड से एग्जिट करके फिर आप लालबाग का राजा वो दर्शन कर सकते हो। चलिए अभी दर्शन करते हैं मुंबई का राजा रायगढ़ फोर्ट। ये जो पूरा थीम जो है, ये जो पूरा एम्बियंस है बहुत खूबसूरती से इधर तैयार किया गया है। इधर आके आपको ऐसा लगेगा, फील होगा कि आप एक दुर्ग में आए हो और म्यूजिक भी इतना खूबसूरत म्यूजिक हो रहा है। आप लालबाग अगर आओ तो आप मुंबई का राजा जरूर दर्शन करो। मंडप के लेफ्ट हैंड साइड ये जो वॉल है, ये वॉल में ओरिजिनल फोर्ट कैसा दिखता है आप ये देख सकते हो। देखिए
मेन पूजा मंडप अंदर बैठे है छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे है और उसके सामने एक प्लेस में उधर रखे है रायगढ़ का मिट्टी। आप लोग अभी दर्शन कर सकते हो मुंबई चा राजा गणपति बाप्पा, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है गणपति बाप्पा। दोनों टाइप से दर्शन होता है, एक है आप गणपति बाप्पा के एकदम सामने से दर्शन कर सकते हो, आप अगर चाहते हो बाप्पा के एकदम पास में जाके दर्शन करने के लिए तो फिर आपको अलग से एक लाइन में लगना है। देखिए ये सब अभी आए हैं दर्शन करने के लिए, एकदम गणपति बाप्पा के एकदम पास में जाके दर्शन करने के लिए। चलिए अभी दर्शन करते हैं। मुंबईचा राजा गणपति बाप्पा का दोनों पैर सोने का है। पूजा कमेटी से मुझे वीडियो करने का परमिशन मिला था। पूजा कमेटी के एक भाई मुझे बहुत हेल्प, बहुत सारे जानकारी दिया ये पूजा के बारे में, बट उस टाइम मेरा माइक काम नहीं कर रहा, वीडियो एडिट करते टाइम भाई का नाम याद नहीं आ रहा है। मुंबई का राजा दर्शन करने के बाद हम लोग लालबाग के राजा दर्शन करने वाले थे, बट लालबाग के राजा दर्शन में बहुत भीड़ था। लालबाग के राजा दर्शन के लिए पूरे एक दिन चाहिए, इसलिए मैं टुमोरो मॉर्निंग में आके फास्ट में विजिट करूंगा लालबाग के राजा। ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये लालबाग के राजा दर्शन के लिए भीड़ है। कोलकाता दुर्गा पूजा में जैसा भीड़ होता है ना, ये लालबाग का राजा दर्शन के लिए भी ऐसा ही भीड़ है, बहुत भीड़ है। अभी चलिए दर्शन करते हैं चिंतामणि का राजा। चिंतामणि का राजा जिस गली में है, इस गली में बहुत सारे गणपति प्रतिमा सेल होता है, इसलिए इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी टाइम है 12:50 PM, अभी तक गणपति जा रहा है अपने घर। अभी हम लोग पहुंचे चिंतामणि का राजा दर्शन करने के लिए। इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन लालबाग के राजा के जैसा भीड़ नहीं है, और जो मुंबई का राजा है उसके जैसा भीड़ इधर नहीं है। इधर भी आपको ऐसे टिकट लेना है, VIP टिकट लेना है। आप चाहो तो VIP टिकट लेके ऊपर में जाके दर्शन कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल भी दर्शन कर सकते हो। मैं 10 रुपये दे के VIP टिकट लिया। इधर ऊपर जाने के लिए तू नीचे छोड़ के ही जाना होगा, देखिए इधर अपने शू इधर छोड़ के सब ऊपर गए हैं।
उधर है मेन मंडप और ये ऊपर से ऐसे रास्ता तैयार किया गया है मेन मंडप मंडप तक जाने के लिए। पूरे एक घंटा लाइन में लगने के बाद अभी हम लोग फाइनली पहुंचे चिंतावनी का राजा गणपति बप्पा के पास। और अभी भी और भी 5 मिनट तक टाइम लगेगा, हम लोग 5 मिनट के बाद वो एकदम पास पे जाके दर्शन कर सकते हैं। देखिए हम लोग अभी पहुंचे एकदम मेन मंडप में, बहुत खूबसूरत है गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा का राइट हैंड साइड में है माँ सीता और लेफ्ट हैंड साइड में है राम और नीचे बैठे हैं हनुमान जी। गणपति बाप्पा का ये हाथ सोने का है और मुकुट भी सोने का। देखिए चिंतावनी का राजा, इधर छोटे छोटे वॉलंटियर लोग है जो इतना ज्यादा भीड़ इतना ज्यादा क्राउड बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। क्या नाम है आपका? विराज। विराज यहीं के रहने वाले हो? हाँ। थैंक यू थैंक यू। देखिए इधर सब छोटे छोटे वॉलंटियर लोग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वॉलंटियर लोग हैं। आपका नाम क्या है? हाँ ये भी है। आपका नाम क्या है? आयन। ये कितना छोटे छोटे सब वॉलंटियर लोग है। थैंक यू भाई को। तो देखिए इतना विशाल है, देखिए इतना विशाल है, बहुत खूबसूरत है। दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। अब भी आओ तो लालबाग एरिया में आओ, और लालबाग एरिया में ये जो 3 जो मेन जो पूजा मंडप है वो आप जरूर दर्शन करो। ये वीडियो ये ब्लॉग में यहाँ पे एंड करूँगा और ये ब्लॉग अपलोड करने के बाद लालबाग के राजा दर्शन करूँगा और वो वीडियो इसके बाद आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए आप लोग।